हमारे पास 25 पहले एक्टिव केसेस थे, साथ हमारी और रिपोर्ट आई हैं जो पॉजिटिव आई हैं आज की। और इसमें जो चार लोग हैं वो सीधे सीधे संपर्क में हैं, जो हमारी ओरिसन फैक्ट्री से अरसोडोरा में जो पॉजिटिव निकले थे उनके ही कॉन्टैक्ट हैं, उनके लो रिस्क कॉन्टैक्ट्स हैं जो पॉजिटिव आए हैं। इसी तरह से एक जो हमारे कोच थे जो रोहतक से आए थे, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जो उनके इमीडिएट कॉन्टैक्ट हैं वो भी पॉजिटिव आई है। और दो हमारी एक महिला और एक बच्ची का रिपोर्ट पॉजिटिव आई है जो दिल्ली से आई थी। तो इस तरह से सभी के सभी कॉन्टैक्ट हमने ट्रेस कर लिए हैं, सभी बाहर से कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है। और अब हमने एक एरिया जो हमारा दो एरिया हाथ नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे, इनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू हो चुकी है। इन सभी एरिया में सारी और ILI के लिए लोग हमारी टीम सर्वे करना शुरू कर चुके हैं और इनके आगे जो संपर्क है उनके सैंपल लेके भेजे जाएंगे। देखिए मैंने पहले भी बताया था जैसे कि जिस तरह से लगातार लोगों की आवाजाही हो रही है, हम सीधे देख रहे हैं कि जो लोग पॉजिटिव केसेस के संपर्क में आ रहे हैं उनकी उनमें पॉजिटिविटी आ रही है, उनके सैंपल वो पॉजिटिव आ रहे हैं। इसलिए और बार बार ये कहा जा रहा है कि एहतियाती बचाव में ही एहतियात में ही बचाव है, कि हम अपने हर काम से सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि हम अपने जो चार इसके मूल मंत्र हैं कि बिना आवश्यक घर से बाहर नहीं निकलें, घर से बाहर निकलें तो लगातार हर बार मास्क का प्रयोग करते रहें, अच्छी तरह से साबुन से हाथ धोते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। सिर्फ ये चार स्टेप्स ही हैं जो हमें बचा सकते हैं, नहीं तो हम कभी भी कहीं पे भी इस बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। कि मैंने अभी आपके सामने ये अपील की लोगों से, हम लोगों को समझना चाहिए कि इस समय में ठीक है कि लॉकडाउन खुल गया है, थोड़ी मूवमेंट आवश्यक है तो हमें निकलना भी पड़ेगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि यदि हमें घर से बाहर निकलना है तो मास्क का लगातार प्रयोग करना चाहिए। सिर्फ मास्क को इसलिए ना पहने कि पुलिस जो है वो चालान कर देगी या कोई व्यक्ति आपको इस काम के लिए टोकेगा, आप अपनी सुरक्षा के लिए मास्क का इस्तेमाल करिए। क्योंकि मास्क यदि दोनों व्यक्ति डालते हैं, जिसको संक्रमण है और जो जिसको संक्रमण नहीं है, यदि दोनों वो लोग मास्क डालते हैं तो बहुत संभव है कि हम इस बीमारी से खुद को बचा सकें। यहाँ एक्चुअल में आगे जिले में 7 केस मिले हैं, जिसमें DC साहब के आदेशानुसार हमने सभी जगह सैनिटाइज गाड़ियाँ भेज दी है, जल्दी उन इलाकों को सील करके पूरे जगह सैनिटाइज किया जाएगा। जैसे अब हम विष्णु नगर खड़े हैं, विष्णु नगर में हमने अभी यहाँ से जो पेशेंट था उनको ले जाया गया है और यहाँ पर हमने सैनिटाइज का काम शुरू कर दिया है, जिसमें एक छोटी बच्ची थी, एक उनकी माताजी थी जो दिल्ली से उनके साथ आए थे गाड़ी में, और जिनके पॉजिटिव केस मिला है, जिसमें हमने पूरा इसको सैनिटाइज किया, मरीज को ले जाया। हाँ, ये खुद जब जैसे ये दिल्ली से आए, इन्होंने अपने एक नागरिक होने के नाते इन्होंने पहले CSI इसमें ESI में गए और वहाँ पर उन्होंने टेस्ट करवाए हैं, टेस्ट में जो पॉजिटिव रिपोर्ट आई, जिसके कारण से हमने आज ये इलाका सील कर दिया। कोई इमरजेंसी है फिर भी बच्चे और बुजुर्ग को तो बिल्कुल भी ना निकलने दें, और हर दुकानदार अपने जितने भी दुकान के हैंडल है, काउंटर है, उनको प्रॉपर सैनिटाइज करते रहें कम से कम 2 बार, और मास्क पहन के रखें। अपना जितना भी स्टाफ है आपका मास्क पहन के रखें। आप सबसे यही अनुरोध।